एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें होता क्या है, एपिथेलियल जो सेल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन द मेसेनकाइमल सेल। तो ये होता क्या है एक्चुअली, ये प्रोसेस में होता क्या है, देखिए एपिथेलियल सेल्स का मतलब है यहाँ पे कि एक ऐसा सेल जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से सराउंडेड है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच है। हमें पता है जो सेल होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसकी अलग अलग लेयर आती है, लेमिना ल्यूसिडा, लेमिना डेंसा, और उसके नीचे आती है रेटिक्यूलर लेमिना, अलग अलग तरह की लेयर्स होती हैं आपकी। तो ये लेयर जो होती है ये बनी होती है ECM से, दैट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से अटैच होता है सेल तो वो एपिथेलियल की कैटेगरी में आ जाता है, एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन में क्या होता है, कुछ तरह का चेंजेस आता है सेल में, कोई पैराक्राइन फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं सेल के ऊपर, सिग्नलिंग होती है, और वो सिग्नलिंग से क्या होता है सेल अपना बिहेवियर बदलता है, वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम द ECM दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और वो बन जाता है समथिंग कॉल्ड एज द मेसेनकाइमल सेल्स। मेसेनकाइमल सेल जनरली आपके मेसोडर्मल सेल्स को कहा जाता है, ये आपके इस तरह के सेल्स होते हैं जो समवॉट स्टिकी होते हैं, समवॉट मूवेबल होते हैं आपके बिटवीन द एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, तो ये मेसेनकाइमल सेल्स इन्हें कहा जाता है। और भी इनमें कई वेराइटीज आपकी मिलती है, तो मोटा मोटी कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका एपिथेलियल सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन द मेसेनकाइमल सेल, तो इसे कहेंगे EMT। EMT के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जो हमारे लिए जानने जरूरी है, वो क्या क्या चेंजेस है जो EMT के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। तो नंबर वन चेंज है EMT के दौरान जो हमें देखने को मिलता है वो है कैधेरिन का, कैधेरिन प्रोटीन जो है वो डाउन रेगुलेट कर जाते हैं। डाउन रेगुलेट का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ पे मैं कुछ एपिथेलियल सेल्स लगा देता हूँ और इसके नीचे लगा दिया मैंने क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, तो ये है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और ऊपर क्या है एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल। अब ये अटैच है किसके द्वारा, इंटेग्रिन प्रोटीन्स लैमिनिन के द्वारा अटैच है ये, और सेल जो होते हैं एक दूसरे से जो अटैच होते हैं वो होते हैं वाया कैधेरिन प्रोटीन। तो कैधेरिन प्रोटीन एक तरह का प्रोटीन होता है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और सिमिलर सेल्स को ये ज्वाइन करता है। कैधेरिन प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, लाइक पी कैधेरिन, एन कैधेरिन, एल कैधेरिन, आर कैधेरिन, ई कैधेरिन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल। ठीक है, जैसे पी कैधेरिन आपका प्लेसेंटा में मिलेगा, एन कैधेरिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब कोई सेल एपिथेलियल से मेसेनकाइमल में जाता है तो उसे कैधेरिन प्रोटीन को लॉस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अंडर द नॉर्मल कंडीशन सेल आपस में जुड़े रहते हैं वाया कैधेरिन, तो वो इसको लॉस्ट करता है और फिर वो अलग होके चला जाता है मेसेनकाइम में। तो ये पॉइंट नंबर वन है आपका कि EMT के दौरान कैधेरिन प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। ठीक है जी, दूसरा आपका, जैसे कि सेल था आपका वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को छोड़ के अलग हो गया, तो इसके लिए उसे लॉस्ट करने पड़ेंगे कनेक्शन अपने ECM के साथ। तो यहां सेल का लैमिनिन प्रोटीन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इन दोनों के बीच जो आपका कनेक्शन है वो आपका टूट जाता है, ताकि सेल आपका मेसेनकाइम सेल आपका बन जाए। तीसरा पॉइंट आपका यहां ये होता है, एक्टिन साइटोस्केलेटन जो होता है वो रीमॉडल होते हैं। एक्टिन साइटोस्केलेटन का मतलब ये हो गया कि जो सेल होता है इसमें न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक जाल बिछा रहता है साइटोस्केलेटन का, एक मेशवर्क होता है, एक आपका नेटवर्क होता है साइटोस्केलेटन का एक्टिन फिलामेंट का, और ये रेगुलेट करता है बिहेवियर सेल का, शेप का वगैरह वगैरह। तो जब आपका सेल चेंज होगा फ्रॉम द एपिथेलिया टू द मेसेनकाइम, तो सीधी सी बात है एक्टिन साइटोस्केलेटन में बदलाव आएगा ताकि शेप बदल पाए, तो ये रीमॉडल होते हैं। फाइन, नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका 4, दैट इज द नॉवल जीन एक्सप्रेशन। नए नए जीन एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल में कोई एक्स नाम का जीन एक्सप्रेस कर रहा है तो मेसेनकाइम में वाई नाम का जीन एक्सप्रेस करेगा, तो न्यू जीन एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली नंबर 5, नया ECM बनाया जाता है,
न्यू ईसीएम के मॉलिक्यूल बनते हैं। क्यों? क्योंकि सेल को ईसीएम की जरूरत पड़ती है नॉर्मल काम करने के लिए। तो एपिथेलियल सेल है उसको भी ईसीएम चाहिए, मेसेनकाइमल सेल है उसको भी ईसीएम चाहिए। तो जो मेसेनकाइमल सेल है उसके लिए नया ईसीएम बनाया जाता है ताकि वो उसको सपोर्ट कर पाए। दिस इज द अनदर पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। इसके बाद अगला पॉइंट आपका है, एक तरह का इसका यूज है, आपने टर्म पढ़ी होगी मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस एक प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल की जिसमें वो अपनी पोजीशन को बदल देता है, जिसे हम कहते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द बिनाइन ट्यूमर इनटू द मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो आपका कैंसर है बिनाइन से मैलिग्नेंसी में जब जाता है उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। तो ये बिनाइन से जो आपका मैलिग्नेंसी में गया है ये गया है बाय द प्रोसेस ऑफ ईएमटी। तो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, सीएसआईआर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक पॉइंट हमने डिटेल में बात की है। इसके अलावा अगर हम कंप्लीट ओवरऑल पिक्चर देखें कि क्या क्या चेंजेस आते हैं ईएमटी के दौरान, तो वो आपकी स्क्रीन पे है। लेफ्ट साइड में आप देखिए ये नॉर्मल एपिथेलियल सेल है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है। तो यहां आप देख सकते हैं यहां पे बेसमेंट अटैचमेंट आपको दिख रही है जो लैमिनिन प्रोटीन की होगी ईसीएम के साथ। साइड में अटैचमेंट दिख रही है आपको जो किसके साथ है सॉरी कैधेरिन प्रोटीन के साथ है, कैधेरिन। तो क्या क्या होता है इसमें, ये सब लॉस्ट हो जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो एपिथेलियल सेल की मॉर्फोलॉजी पॉलीगोनल होगी, एक कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी होगी स्क्वायर टाइप पॉलीगोनल। ये चेंज होके बन जाएगी स्पिंडल, स्पिंडल मतलब समवॉट लाइक दिस, लॉन्ग इलोंगेटेड समथिंग लाइक दिस। पोलैरिटी, अगला है पोलैरिटी। जो सेल होता है एपिथेलियल उसकी पोलैरिटी होती है एपिकल पोलैरिटी और बेसल पोलैरिटी। एपिकल का मतलब है ऊपर वाली अपर पार्ट और बेसल का मतलब है लोअर जहां पे वो ईसीएम से अटैच है। तो एपिकल बेसल पोलैरिटी लॉस्ट हो जाएगी तो वो बन जाएगी एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी। तो मेसेनकाइम में बन जाएगी एंटीरियर पोस्टीरियर। ये जो केस है आपका कई सारे वायरस भी दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस भी इस तरह से काम करता है, वो भी पोलैरिटी बदलता है सेल्स की, वो भी डिटैचमेंट में रोल प्ले करता है। और भी बहुत वायरस होते हैं। इसके अलावा सेल सेल एडिशन, तो एक सेल जो दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है वाया कैधेरिन प्रोटीन, ये डिसोसिएट कर जाएगा, इसमें डिसोसिएशन आ जाएगी। नेक्स्ट है सेल और ईसीएम का, जो मैं आपको बता चुका हूं लैमिनिन प्रोटीन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो आपस में बाइंड है ये ब्रेक कर जाएगा। एंड फाइनली मोटिलिटी, एपिथेलियल सेल्स मोटाइल नहीं है, दे कैन नॉट मूव, बट मेसेनकाइमल सेल्स डू पजेस मोटिलिटी एंड ये आपके मूव करेंगे। तो दिस इज द केस ऑफ ईएमटी। सीएसआईआर के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एग्जाम में एग्जाम्पल आते हैं, सीएसआईआर में एग्जाम में एग्जाम्पल्स आते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं जो गिलबर्ट में मेंशनड है और वो आपके लिए जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर वन है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स फ्रॉम द डॉर्सल मोस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब। डेवलपमेंट के दौरान न्यूरल ट्यूब बनती है और न्यूरल ट्यूब जो होती है इसके ऊपर की तरफ कुछ सेल्स बनते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल जो बनते हैं वो ईएमटी के द्वारा बनते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं ये न्यूरल ट्यूब है, इस पूरी न्यूरल ट्यूब में सारे सेल एपिथेलिया है, बट ऊपर की तरफ आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है मेसेनकाइमल सेल्स जो आगे चल के बनाते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल और ये काम होता है वाया ईएमटी। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर टू फॉर्मेशन ऑफ मीसोडर्म इन द चिक। तो चिक में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट क्लीवेज के बाद जब डेवलपमेंट होती है तो वहां पे कुछ लेयर बनती है, आपने पढ़ा होगा एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट इस तरह की लेयर बनती है। एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों लेयर के बीच में आते हैं कुछ सेल जिन्हें कहते हैं मेसेनकाइमल सेल्स जो मीसोडर्म बनाते हैं। तो ये मेसेनकाइमल सेल जो मीसोडर्म बनाएंगे ये कैसे बनेंगे, ये बनेंगे ईएमटी के द्वारा। तो ऊपर जो सेल है एपिब्लास्ट के ये इनमें बिहेवियर में बदलाव आएगा, ये आपके मेसेनकाइमल बनेंगे और नीचे की तरफ सेंटर में आ जाएंगे जिससे आगे चल के क्या बनेगी,
मीजेनकाइम बनेगी. सो दिस इज द अनदर एग्जांपल व्हिच इज द फॉर्मेशन ऑफ मीसोडर्म इन द केस ऑफ चिक. अगला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वर्टेब्री. वर्टेब्री आपको पता होगा, वर्टेब्री जो बोन्स होती है, एक हॉलो बोन्स होती है जिनके हॉर्न होते हैं निकले हुए, और इनके सेंटर में आपकी स्पाइन न्यूरल ट्यूब रन करती है. तो फॉर्मेशन ऑफ जो वर्टेब्री होती है सोमाइट से बनती है, और ये एक एग्जांपल है ईएमटी का. तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट क्या होता है, सोमाइट्स बनते हैं जो एक तरह की आपकी मेटामेरिज्म होती है, इंटरनल सेगमेंटेशन होती है वन बाय वन. यहां पे कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स ईएमटी में जाते हैं और आगे चल के ये वर्टेब्री बनाने में मदद करते हैं. ये आपके मीजेनकाइम में आने के बाद वर्टेब्री को बनाते हैं. तो दिस इज द अनदर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वर्टेब्री फ्रॉम द सोमाइट्स, ठीक है, इन द वर्टिब्रेट्स. नेक्स्ट एग्जांपल है विच इज द वुंड हीलिंग. वुंड हीलिंग वर्टिब्रेट्स में, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो वुंड हो जाती है, चोट लग जाती है, घाव आ जाता है, उस दौरान वहां पे ईएमटी होता है, एपिथेलियल सेल्स आते हैं आजू बाजू से, मेसेनकाइम में कन्वर्ट होते हैं और यहां आके इस एरिया को फिलअप करते हैं, इसे वो भरते हैं और नॉर्मल पोजीशन में लाने में मदद करते हैं. और ये काम कैसे होता है, ये होता है वाया ईएमटी. तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है. इसके अलावा फाइनल एग्जाम्पल हम लेंगे वो है मेटास्टेसिस का. तो मेटास्टेसिस जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, क्या होगा इसमें, कैंसरस सेल होंगे बिनाइन ट्यूमर के, जो कन्फाइंड होता है अपनी लोकेशन पे, बिनाइन ट्यूमर वाले, और ये आपके जाएंगे इन्वेडर, इन्वेडिंग हो जाएंगे, यानी मैलिग्नेंट बन जाएंगे, मैलिग्नेंट सेल्स. और ये काम करेंगे कैसे, ये वाया ईएमटी. तो एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन के दौरान ये अपनी पोजिशन को बदलेंगे और ये आगे चले जाएंगे, ठीक है. तो ये आपका पूरा तरीका है ईएमटी का. ये टॉपिक मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, शॉर्ट से मेरा मतलब है कि कम टाइम में, लेकिन समझाया पूरा है. गिलबर्ट में जितना दिया है उतना ही बताया है, और जितना एग्जाम में आएगा उतना ही आपको कवर करवाया. इससे ज्यादा पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए इतना काफी है. बाकी ये टॉपिक यहां खत्म करता हूं मैं. इसी तरह से मैं और छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए लाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर हो पाए. आपका काम बस ये होगा कि आप मेरे काम को सपोर्ट करें, इसे शेयर करें, अगर आपको पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें. बताएं कमेंट में क्या है, आपको क्या कमी लगती है, आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, जो भी है आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है. और मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे अन अकेडमी प्रोफाइल पे, ठीक है. साथ ही साथ इसको भी आप शेयर कर सकते हैं. तो आज का टॉपिक समाप्त करता हूं मैं इसी के साथ. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच. आपसे मिलूंगा मैं किसी दूसरे सेशन में. बहुत बहुत धन्यवाद.